10 से 12 लाख के बजट में आपको कोई ऐसी एसयूवी मिल जाए जिसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी से लगा मिले, टच स्क्रीन भी कंपनी से लगा मिले, और जितनी भी लाइटिंग एलईडी लाइट होगी, डीआरएल हो, सब कंपनी से मिल जाए 20 लाख वाली गाड़ी के फीचर मात्र 12 लाख में, तो ह्यूंडई क्रेटा 2023 फेसलिफ्ट मॉडल का सेकेंड बेस मॉडल EX सिर्फ आप ही के लिए बना है, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी कम है और इतने ज़्यादा फीचर्स है इस गाड़ी में, तो ये पूरी वैल्यू फॉर मनी बनती है। टोटल 5 वेरियंट के साथ आएगी। फिलहाल हम लोग सेकेंड बेस की बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत लोग का डाउट था कि डीजल इंजन आएगा कि नहीं, तो डीजल इंजन का चांसेस बहुत कम है, पर बताया जा रहा है कि ये सीएनजी ऑप्शन के साथ जरूर आने वाली है। तो क्रेटा फेसलिफ्ट आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल जो अभी आता था, और न्यू ऑप्शन सीएनजी ऐड किया गया। बाकी डीजल इंजन के चांसेस कम है, मे बी आ भी सकता है, पर कोई कन्फर्म नहीं है। और प्राइस क्या कन्फर्म रहने वाली है ये भी बात करेंगे। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे एलॉयस है, कोई भी स्टील रिम नहीं है, और फ्रंट में आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, पीछे में आपको रियर में ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा। टायर साइज की मैं बात करूँ तो 16 इंचेस के आपको टायर देखने को मिलेंगे। प्राइस क्या रहेगी, बुकिंग आप कब से करा सकते हैं, और आपको नियरेस्ट शोरूम में कब तक देखने को मिलेगी, और इसके लिए आपको वेट करना ही चाहिए, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। कोई भी गाड़ी की तरफ आप शिफ्ट मत करिएगा। ओ आर वी एम मिरर में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, डोर हैंडल में सेंसर देखने को मिल जाएगा, रियर में आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा, डिफॉकर देखने को मिल जाएगा। ये मात्र सब चीज़ आपको 12 लाख रुपये में मिल जाएगी। इंटीरियर की तरफ अगर हम चलते हैं तो आपको इसमें की में देखने को मिलेगा, कोई भी पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया गया, पर एक अच्छी बात ये है आपको मिरर के कंट्रोल अंदर से ही दे दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे सभी पावर विंडो के भी कंट्रोल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिक की फीचर है, 4 पावर विंडो के हैं, एक आपका मिरर का है और एक बाहर ओआरवीएम मिरर कंट्रोल करने का है, सब आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, और फिलहाल ये मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आपको क्लच और एक्सीलेटर दोनों ही एक साथ देखने को मिल रहे हैं, और इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा, उसका भी मैं वीडियो ले आऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। स्टेयरिंग की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ओनली ट्रिप एंड रीसेट। अच्छा, अभी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी सेकंड बेस मॉडल में, और अगर आपने अभी तक बेस मॉडल की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी चैनल पे है, यहाँ पे आप फोटो से देख सकते हो, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप इसका बेस मॉडल भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर की मैं बात करूँ तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगा, ये पूरा डिजिटल एनालॉग सिस्टम में आने वाला है। फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, आपको आरपीएम मीटर हो गए, स्पीडो मीटर हो गए, इंजन टेम्परेचर लाइट होगा, बैटरी वार्निंग लाइट, सब कुछ आपको बता देगा, और इसमें आपको कोई भी एडास सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर आपको ओनली टॉप एंड मॉडल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जरूरी काम के सारे फीचर्स दिख जाएंगे, और मैं एवरेज की बात करूँ तो क्रेटा फेसलिफ्ट जो है उस थोड़ी सी ट्विनिंग होकर आएगी, जिसकी वजह से इसकी एवरेज आपको ज़्यादा देखने को पड़ेगी, और डीजल इंजन मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस है, कोई भी अपडेट नहीं है कहीं से भी, तो आप लोग डीजल इंजन के चक्कर में मत रहिएगा। बाकी इसका पेट्रोल इंजन भी आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आएगा ही नहीं, पर आ भी सकता है, पर कन्फर्म नहीं है। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी 7 सेंटीमीटर की, जिसमें आपको ये सब कुछ, सॉरी 7 इंच की, जिसमें आपको ये सब कुछ इंफॉर्मेशन बता देगा। आप म्यूजिक प्लेस कर सकते हैं, पीछे में आपको कैमरा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। एसी भी आपको मैनुअल देखने को मिलेगा। मैं टॉप मॉडल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आपको डीआरएल मिलेगी वो तो मिलने ही वाली है, पर जो नीचे में जो लाइटिंग है आप बेस मॉडल में देखोगे वो हैलोजन में मिलेगी, और यहाँ पे आपको एलईडी मिलेगी, और यह जो आप व्हील देख रहे हो ये आपको डायमंड कट 17 इंचेस के व्हील देखने को पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर एकदम नीचे में देखने को मिलेगा, जो कि बेसिक मॉडल में आप रिवर्स करोगे वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ज़्यादा चमक रही है या कुछ, तो ऐसा नहीं है, ये लाइटिंग खड़ी है तो इस वजह से इसकी जो चमक है ये कुछ ज़्यादा ही है, और वो डल एरिया पे खड़ी है तो इस वजह से वो उतनी शाइन नहीं कर रही है। बाकी ये जो वेरिएंट है ये आपको 22 से 25 लाख रुपए का पड़ेगा, क्योंकि ये अल्ट्रा टॉप मॉडल बोलो या टॉप एंड मॉडल बोलो, ये टॉप मॉडल है इस गाड़ी का, जिसमें आपको अडास का भी सिस्टम देखने को मिलेगा, पर मैं काम के फीचर जो भी है वो आपको उस गाड़ी में मिल जाएंगे। तो मैं प्राइस की बात कर लूँ तो उसकी जो एक्सशोरूम प्राइस रखी गई है वो 12 लाख से 13 लाख रुपए के बीच एक्सपेक्टेड इंडिया में आ जाएगा, और सनरूफ आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको सनरूफ मिल रहा है। उसमें आपको फैब्रिक सीट मिलेगी, इसमें आपको लेदरेट सीट मिलेगी, इसकी MID आपको पूरी डिजिटल मिलेगी, जिसके अंदर डिजिटल में एनालॉग आएगा, उसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल हो जाएगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, कि दोनों में आप जज कर सकें, तो उस हिसाब से हम देखें तो वो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है, अगर आपको अडास का ज़रूरत नहीं है।
कितने कॉस्ट में आने वाली ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, और कब तक लॉन्च हो जाएगी। तो उससे पहले आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है, आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे और क्रेटा के बारे में कुछ अपडेट होता है आपको पहले मिल जाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो क्रेटा फेसलिफ्ट जो है वो आपको मार्च में देखने को मिल जाएगी, मार्च के एंड में, मतलब कुछ ही मंथ बचे हैं, 2 या 3 मंथ, या मे बी अप्रैल में आपको दिख सकती है, तब इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और आपको इंडियन मार्केट में अगस्त से सितंबर के बीच में पूरी चलनी भी दिखनी चालू हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो के साथ, और आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।